तो आज की वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और पासवर्ड चेंज करते हैं। तो चलिए हम सर्च बार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट को एंटर करके लॉगिन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो आपको ऊपर की ओर दाई ओर एक सर्कल जैसा दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है तो एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डू नॉट हैव एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो अगर आपने इस नए पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, तो इसके पहले मैंने एक रजिस्टर वाला वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो को देख कर इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, हम लॉगिन वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको एंटर योर यूज़र आईडी पे अपना पैन नंबर डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इसमें डाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लॉगिन वाले पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको मेरा पैन दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा प्लीज़ कंफर्म यूर सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा उसके लेफ्ट साइड में, तो आपको उसको क्लिक करना है और उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने रजिस्टर करते समय आपने पासवर्ड बनाया था। तो चलिए हम उसको एंटर कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल और मेरा नाम, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मेरी प्रोफाइल है वो 75% कम्प्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह हम इसमें अपने पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। तो आप जैसे ही स्किप पे क्लिक करेंगे, आप दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और लेफ्ट साइड में आप अपनी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। तो आपको क्लिक करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, जहाँ पे तो आप दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप माय प्रोफाइल वाले पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे अपडेट डिटेल्स देख रखा है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम दिखाई दे रहा है देगा और यहाँ पे आपका अकाउंट किस तरह का इंडिविजुअल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा चेंज पासवर्ड, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे चेंज पासवर्ड वाली। तो यहाँ पे आपको करंट पासवर्ड दीजिएगा, आपको अपना करंट पासवर्ड डालना है और फिर उसके बाद न्यू पासवर्ड और फिर उसके बाद कंफर्म करना है। तो चलिए हम अपना करंट पासवर्ड डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको नए पासवर्ड बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है। तो जो पासवर्ड होना चाहिए वो कम से कम 8 से 14 करेक्टर तक लंबा होना चाहिए और यहाँ पर उसमें एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस या लोअर केस और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। तो चलिए हम अपना पासवर्ड बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो मैंने नया पासवर्ड यहाँ बनाया है वह यहाँ पे ग्रीन टिक पे सक्सेस दिखाई दे रहा है और पासवर्ड जो है बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और मेरी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सबको फुलफिल कर रहा है। तो इसी तरह आपको अपना नया पासवर्ड बनाना है और कन्फर्म पे अपना जो नया पासवर्ड उसको टाइप करके सबमिट क्लिक करना है। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो तुरंत पेज लोड होने लगेगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्कल जैसा घूम रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि पेज लोड हो रहा है। जैसे ही ये पेज लोड होना बंद हो जाएगा तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो पेज लोड हो रहा था वह अब लोड होना बंद हो चुका है, तो मतलब पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो आपको दोबारा सबमिट के बटन पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप क्लिक करते हैं तो एक आपको एरर दिखाई देगा, वहाँ पे दिखाई देगा इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड प्लीज़ रिट्राई। तो आपको ये नहीं करना है। तो जो आपने जो नया पासवर्ड सेट किया था वह सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आप नए पासवर्ड के माध्यम से ही लॉगिन करेंगे। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।